हमारी कॉलोनी एमआई रूम में रहते हैं और हमारी जो बिल्डिंग है वो अनसेफ हो गई है, मतलब बिल्कुल नीचे से स्लाइड चला गया पूरा। तो हम एक हफ्ता से मतलब सामान बाहर था, तो इसलिए अभी हम सिक्योरिटी से, जहाँ मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करते हैं, तो सर ने हमारे को मतलब अभी रहने के लिए, सर ढकने के लिए छत दी है फिलहाल, और हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम उनका बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे को ऐसी मुसीबत में काम मतलब सर ढकने को जगह दी। और भी वहाँ फैमिली रहती थी, क्या हाल है शिमला में? आप पहली बार फैमिली रहते थे, सिर्फ उनमें सब एक फैमिली यहाँ पे है। जो कितनी फैमिली थी वहाँ पे? 6-7 फैमिली है। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, अपने अपने गांव जा चुके हैं, छोड़ दी थी क्योंकि उनको रूम भी नहीं मिल रहे थे यहाँ रहने के लिए। तो डर ज़्यादा हो गया, भूख प्यास से भी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो लोग यहाँ से अपने गाँव जा चुके हैं, वो शायद झारखंड के थे। कभी ये शिमला में पहली बार हुआ है इतना के से सर, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है सर, पूरे जिंदगी में मतलब 18 साल में। कितनी बिल्डिंगें अनसेफ हो गई अभी? 7-8 बिल्डिंगें पड़े हैं जो अभी भी अनसेफ कर दी है। मेरी पैदाइश यही की है सर जी, मैं पढ़ा लिखा ही बड़ा हुआ, नौकरी में कर रहा हूँ, मेरे को 22 साल यहाँ नौकरी करती हुई आज मुझे, लेकिन लेकिन आज तक ऐसा हादसा कभी पेश नहीं आया जिस हिसाब से अभी शिमला में। शिमला में आज तक लाइट में कभी ऐसा नहीं हुआ सर, कितनी बारिश हुई है लेकिन स्लाइड का होते रहते थे नॉर्मल स्लाइड, लेकिन ऐसी बिल्डिंगों के ऊपर और ऐसा बादल फटना या ऐसा। कितनी फैमिली हैं जो अनसेफ होने की वजह से आपको दर्द बढ़ रही है? सर ये तो यानी कि बिल्डिंगों की बिल्डिंग है, उसमें होटल भी हैं, आपके मकान भी हैं जिन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, पैसा सारा पूंजी लगा दी सर, कई लाखों के उन्होंने फ्लैट फ्लैट दिए, कई लोगों को फ्लैट भी दिए, वो भी अनसेफ। बिल्डिंग सर बिल्डिंग 8-10 बिल्डिंग है जिनमें आप खुद के टुकड़े होते हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी शिफ्ट कर रहे हैं सामान? बहुत सर जी, बहुत दिक्कत हो रही है, शिफ्ट कर रहे हैं, कई फिर रूम नहीं मिल रहे हैं, अब तो ऐसा ऑर्डर लगता है सर जी कि यहाँ रहने से कि भाई कल को अगर कोई दरार भी देखते हैं तो नींद भी नहीं आती है, डर लगता है कि कहीं बिल्डिंग ना जाए।